खुद को इंटरनेशनल काउंसलिंग जस्टिस की सदस्य बताकर शहर के जाने माने होटल में मुफ्त में डेरा डालकर रहने वाली महिला को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई स्थित जुहू की रहने वाली 27 वर्षीय पूजा ठक्कर उर्फ पूजा खान को पुलिस ने 3 स्टार होटल सेंटर पॉइंट रामदास पेट से घर दबोचा है। वह अभी इंटरनेशनल काउंसलिंग जस्टिस सदस्य रही थी। आरोप है कि पूजा ने पद का गलत उपयोग किया, उसकी आपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्तता मिली तो उसे काउंसलिंग से हटा दिया गया। इसी बीच 23 सितम्बर को पूजा नागपुर आई, यहाँ होटल सेंटर पॉइंट गयी, प्रतिबंधक निधि नायक से मिली और स्वयं को इंटरनेशनल काउंसलिंग जस्टिस की सदस्य बताया। पहचान पत्र भी दिखाया। निधि ने बगैर पैसे लिए उसे वातानुकूलित आलिशान कमरा उपलब्ध करा दिया। निधि ने सोचा कि प्रतिष्ठित संस्था की सदस्य है, इसीलिए पैसे को लेकर बाद में बात कर ली जाएगी। धीरे धीरे करके पूजा को होटल में रुके हुए 20 दिन गुजर गए, लेकिन मुफ्त में डेरा डालकर रहने वाली महिला को आखिर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीधा बढ़िया होटल सेंटर पॉइंट येथील मैनेजर निधि नायर यांनी पोलिसांना तक्रार दिली की त्यांच्याकडे एक महिला या बऱ्याच दिवसापासून म्हणजे ती मागच्या महिन्याच्या 23 तारखेपासून राहायला आहेत आणि राहत रूम मिळवताना त्यांनी एक फोटो आय डी दिलेला आहे आणि तो फोटो आय डी फेक आहे। ज्या संस्थेचा त्यांनी दिलेला आहे तो खोटा आहे। यावरून त्या सर्व गोष्टी शहानिशा केली आणि त्यांच्या तक्रारीवरून सदरचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। पोलिसांना आपण आणि त्यानंतर त्यांना अरेस्ट केले। यापूर्वी देखील असं या महिलेवर काही गुन्हा असल्याचं किंवा हॉटेल काही आहे का यापूर्वी सुद्धा ज्या महिला आहेत त्यांच्यावरती 2 गुन्हे दाखल आहेत। एक दिंडोशी पोलीस स्टेशन मुंबई या ठिकाणी मी CBI अधिकारी आहे असं त्यांनी बतावणी करून केल्याबद्दलचा गुन्हा आहे आणि पोलीस स्टेशन मसुरी उत्तराखंड या ठिकाणी सुद्धा एक गुन्हा दाखल आहे। भाजप सरकार के सत्ता में आते ही क्या बदलाव हुए हैं और किन परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, इस सब बारे में नागपुर जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर टुडे से खास बातचीत के दौरान ये बातें कही है। अक्टूबर को हमारे 2 साल पूरे होने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी खुद ही 15-16 घंटे एवरेज सरकार को जनता के लिए काम करते हैं। जब कोई मुख्यमंत्री 15-16 एवरेज अपने लाइफ का जनता में समर्पित है और अपोजिशन में उन्होंने 15 साल विधायक करके सारे विभागों में अपोजिशन करके काम किया है तो वो नहीं टूटते कहीं, वो अच्छी छवि बनाए चुके हैं और छवि बनाने के साथ भी 2 साल में जो अकाल था महाराष्ट्र में, अकाल होने के बावजूद भी जिस प्रकार से केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प किसानों को की है। 2 लाख किसानों के बिजली कनेक्शन हमने खुद दिए हैं जो 10 साल से पेंडिंग थे। हमने बिजली में सरप्लस किया है महाराष्ट्र को और किसानों को 12 घंटे बिजली दी है। साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जिस प्रकार से जलयुक्त शिवार के माध्यम से हर खेत में पानी, सारे गांव-गांव के नदी नालियां और सारे छोटे छोटे जो हमारे पॉन्ड्स है तालाब है उनको पूरा फुल करने की योजना, गांव का पानी गांव में, खेत का खानी खेत में और नाले का पानी नाले में, नदी का पानी नदी में, ऐसी जो योजना बनाई उसमें आने वाले सालों में दुष्काल नहीं अकाल नहीं आएगा इसकी योजना बनाई है। एक साइड रास्ता बिजली पानी और उसी प्रकार से जनता को आने वाले सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो योजनाएँ दिल्ली से आई है, जन धन योजना,
मुद्रा योजना, खासकर गरीब लोगों को बिना बीपीएल के घर खुल देना, 1,10,00,000 लोगों ने अपना सब्सिडी छोड़ना इस सिलेंडर की, तो केंद्र सरकार की 8-10 योजनाएं और महाराष्ट्र सरकार की वैसे तो 85 योजनाएं केंद्र सरकार ने डिक्लेयर की है और महाराष्ट्र सरकार की नियर अबाउट 102 योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर की है। उसमें एक अच्छा काम आपको दिखेगा, मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार बनने के बाद पहले 2 साल जाते हैं प्लानिंग पैसा जमा करने में, पैसा तैयार करा, पिछली सरकार पैसा छोड़ के जाती नहीं है, वो तो पूरा कर्जे में रखती है, 3,00,000 करोड़ का कर्जा करके सरकार चली गई, फिर उसके बावजूद उसके बाद पैसे का लाना, पैसे को जमा करना, प्लानिंग करना, प्लानिंग करके उसको खर्चा करना, ये सब कोई भी सरकार का जो काम है ये 3rd साल से नहीं चालू होता, 3rd साल से। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 3 साल में ये सरकार ने क्या किया इसका आपको जमीन पे दिखेगा। नागपुर की बात करें तो 300 करोड़ के सीमेंट कॉन्क्रीट रास्ते, पीने के पानी की अच्छी सुविधाएं और नागपुर शहर के सारे लोगों को, अतिक्रमित लोगों को 50,000 घर देने की योजना, 65 ऐसी हमारे नागपुर महानगर पालिका NIT के हमारे जो अड़चने थी, 65 प्रपोजल मुंबई सरकार के पास 10 साल से पड़े हुए थे, छोटी छोटी उसमें अमेंडमेंट थी, तो 65 अमेंडमेंट दो साल में करके नागपुर के जो छोटे मोटे रिजर्वेशन थे, नागपुर में छोटे मोटे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को पट्टे वाटप की योजनाएं थी, 65 स्कीम को मुख्यमंत्री जी ने रिलीफ दिया, समाधान शिविर के माध्यम से रिलीफ दिया, स्कूल में कास्ट सर्टिफिकेट निकाल देने से आने वाले दिसंबर में BPL APL का अनाज देने की, और जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि मीडियम क्लास, निचला वाला आदमी जिसके पास आर्थिक परिस्थिति नहीं है, ऐसे वर्ग को शिक्षा देना, ऐसे वर्ग को अनाज देना, ऐसे वर्ग को फैसिलिटी देना, स्कॉलरशिप देना, OBC के लिए 6,00,000 की स्कॉलरशिप, 6,00,000 की लिमिट करना, ऐसे जो अपोजिशन में उन्होंने सारे मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाए थे वो मुद्दे को वो फाइनल कर रहे हैं। और मुझे लगता है 2 साल ये सरकार के लिए प्लानिंग करना और नियोजन करने का कार्यकाल है, आने वाले 3 सालों में सरकार की पूरी चीजें रखे कर रहे हैं हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है ग्रामीण अंचल में जो NIT रहेगी बाउंड्री के बाहर उसको NMRD किया जाएगा, शहर में NIT का जितना भी कब्जा है, लेआउट है, मेरे अध्यक्षता में एक समिति तैयार हुई है, आने वाले 3 महीने वो समिति पूरा फाइनल करेगी। नागपुर शहर में जो भी NIT का लेआउट है उस लेआउट को रस्ते, बिजली, पानी देने को कितना खर्चा आएगा उसका एक इक्विपमेंट निकलेगा, NIT उन सब लेआउट को पैसे के साथ, रास्ता, बिजली, पानी डेवलप करने के लिए पैसा जो आया, खर्चा आएगा वो पैसे के साथ महानगर पालिका को ट्रांसफर करेगी और वो एरिया का डेवलपमेंट कंप्लीट महानगर पालिका करेगी और NIT नागपुर सिटी से बाहर होकर NMRDA में चली जाएगी, ग्रामीण में चली जाएगी। ये हमने निर्णय सबसे पहले तो पिछले 10 सालों से किसान ने अप्लीकेशन करके रखी थी लेकिन कनेक्शन नहीं मिलता था 2005 से, विदर्भ और मराठवाड़ा में 2005 से 2,00,000 किसानों के कनेक्शन पेंडिंग थे। मंत्री बनने के उस दिन मैंने विनती किया मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से कि मुझे 1,000 करोड़ दीजिए ऊर्जा विभाग को, उन्होंने बजट किया, मुझे इस बात का संतोष है ऊर्जा मंत्री बनने के बाद मैं 2,00,000 लोगों को कनेक्शन दे पाया विदर्भ और मराठवाड़ा के। दूसरा, बिजली तो बनती है विदर्भ में लेकिन इंडस्ट्री जो आ रही इधर से बाहर, इसलिए कि छत्तीसगढ़ बाजू में 5.5 रुपये रेट से बिजली दे रहा है और हम इंडस्ट्री को 7-8 रुपये रेट बिजली दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए कहा कि आप पढ़ाई करिए, हमने 4-5 स्टेट की पढ़ाई करके अनुप कुमार समिति बनाई, उस समिति का रिपोर्ट आया कि आप लोग जब तक 5.5-5 रुपये में नहीं आएंगे तो यहाँ की इंडस्ट्री भाग जाएगी, स्टील इंडस्ट्री भाग जाएगी, यहाँ कोई रोजगार नहीं आएगा। और मुझे इस बात का गर्व है और खुशी होती है सरकार के माध्यम से बताने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 1,000 करोड़ और दिए और विदर्भ मराठवाड़ा के आज 2 रुपये बिजली रेट सस्ती हो गई और हम छत्तीसगढ़ से रेट से आज इंडस्ट्री को बिजली दे रहे हैं। मिहार में 12 रुपये रेट बिजली थी, हमारी सरकार के बाद 4.40 रुपये दी है।
विदर्भ मराठवाड़ा में आज 2 रुपए रेट कम होने के वजह से स्टील इंडस्ट्री वापस आ रही है। ओपन एक्सेस में जो लोग गए थे, भाग गए थे, वो फिर वापस आना चाहते हैं। तो इस तरह से जहाँ एरिया में पोल्यूशन है, बिजली घर है, वहाँ पे बिजली सस्ती होनी चाहिए, ये भावना थी। एक दौर ऐसा था जब भारत में चाइनीज प्रोडक्ट की ओर सभी आकर्षित होते थे, लेकिन आज भारतीय प्रोडक्ट की मांग को लोग जोरों शोरों से कर रहे हैं। भारतीय प्रोडक्ट की बढ़ती मांग को देखते हुए नागपुर के एक युवा वर्ग ने सीरीज बनाना शुरू किया, जिसकी खरीदी जोरों शोरों से चल रही है। पीओके भारत पर हर दफा सरहद से हमले करता आ रहा है और इस पाकिस्तान को चाइना मित्र राष्ट्र के तौर पर साथ दे रहा है, जिससे नाराज होकर भारतीय नागरिक चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और आने वाली दिवाली में लोग चाइनीज प्रोडक्ट ना खरीदने की अपील भी एक दूसरे से कर रहे हैं और भारतीय प्रोडक्ट की मांग कर रहे हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए और भारतीय सामान बाजार में लाने के लिए नागपुर के युवा वर्ग ने सीरीज लाइट के साथ कई सारे प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। कार्य की प्रेरणा हमारे को ऐसी मिली है कि आज हमारे देश से जो चाइना, ये चाइना का प्रोजेक्ट लाके अपने यहाँ बेच रहा है, उसके बाद में पाकिस्तान अपने पे हमला कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट ये चाइना करता है, उसके आधार पे हमने ये नागपुर शहर में एक युवाओं को रोजगार देने के लिए और चाइना को कैसी टक्कर देना चाहिए उसके आधार पे हमने ये सीरीज का प्रोग्राम यहाँ तैयार किया है। उसके माध्यम से हमने 4000 सीरीज यहाँ नागपुर में बनाई है। हमारा इसके बाद नया मिशन है अगले बार 5 लाख सीरीज बनाने का, उसके आधार पे हम लोग ये काम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैम, मार्केटिंग का ऐसा है, अगर हमारे कोई फ्रेंड्स अगर बाहर है और उनके तरफ से हमको कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो हम बाय ट्रांसपोर्ट के जरिए हम भेज रहे हैं उनके तरफ, और मतलब वो फ्रेंड्स हमारे ऑर्डर देते हैं, हम ऑर्डर बाय ऑर्डर उनको भेज रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, हमको हमने पब्लिसिटी जो की थी वो व्हाट्सएप, फेसबुक और माउथ पब्लिकेशन की थी, और उसके बाद जो भी हमने दिया वो सब कॉल थ्रू दिया है। वो हमारे पास, हमने कभी उनको होम डिलीवरी दी, कभी उन्होंने फ़ोन किया और बोले कि हम आ सकते क्या, वो हमारे वर्कशॉप हॉल में आए और उन्होंने वहाँ से भी परचेस करके लेकर गए। ये जो काम युवा वर्ग की ओर से शुरू किया गया है, इससे कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस सीरीज का किसी भी तरह का विज्ञापन पेपर या टीवी पे नहीं दिया गया, सोशल मीडिया के द्वारा इस प्रोडक्ट का प्रचार एवं प्रसार ये लोग कर रहे हैं, जिसकी बिक्री बड़े पैमाने में हो रही है। हर सीरीज हमारे यहाँ 30 फीट की है, 30 फीट में हर सीरीज में 50 लाइट्स डाले गए हैं और वेल पैक करके उसकी कॉस्टिंग 200 रुपये दी गई है। हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा फेसबुक या व्हाट्सएप से चल रहा है, और हमारे जो चाइना के अपोजिट जो हमारी जो सीरीज निकाली है, आप देख सकते हैं ये सीरीज में जो हर कोई जो प्रोडक्ट्स है वो प्योर इंडियन मेड है। चाइना का अगर एक भी लाइट ख़राब होता है तो पूरी सीरीज ख़राब हो जाती है। हमारे यहाँ पे जो सीरीज़ बनी है वो उसकी हम 1 साल वारंटी ले रहे हैं। अगर उसको उसका 1 या 2 बल्ब या 3 बल्ब या पूरी सीरीज़ ख़राब हो जाती है, अगर वो हमारे केयर सेंटर ला के वो सीरीज़ देता है तो हम उसको पूरी चालू करके देंगे। संत ताजुद्दीन बाबा के उर्स के उपलक्ष्य में देश भर से लाखों भक्त ताजबाग आते हैं। उन्हें आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जिला और मनपा प्रशासन की ओर से माकुल बंदोबस्त किए गए हैं। पेयजल, स्वच्छता, भक्तों के लिए रहने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर भावन कुले ने शुक्रवार को आयोजित पत्र परिषद में दिए। के पालक मंत्री की जवाबदारी करके 24 तारीख को जो उर्स यहाँ पे होने जा रहा है, और हमारे हिंदुस्तान में ये उर्स बहुत जोरों शोरों से होता है, पूरे इंडिया से लोग आते हैं उर्स के लिए, बाबा ताजुद्दीन नागपुर का नाम लेके, और इस उर्स की तैयारी करने के लिए एक मीटिंग, कौन से डिपार्टमेंट की क्या जवाबदारी है, हमारी क्या जवाबदारी है, करने के लिए हम आए हैं। 2-3 महत्वपूर्ण इश्यू है,
आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए उनकी भावना से कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए सरकार की जवाबदारी है कि उसको अच्छे से मॉनिटर करे। यहाँ के एडीएम जो पांडे, ये यहाँ के यात्रा की व्यवस्था करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। बाकी रिसीवर तो हमारे हैं कोर्ट से आए हुए, वो ट्रस्ट का काम देखेंगे, लेकिन यात्रा को जो जवाबदारी जिस जिस डिपार्टमेंट की है वही डिपार्टमेंट को मॉनिटर करने के लिए हमारे एडीएम काम करेंगे। और खासकर शामियाना बढ़ाना, विद्युत विभाग की एसएनडीएल का यहाँ का एक ऑफिस खोलना, चार बस का एक स्टैंड होना, पीने के पानी की टैपिंग करना और पीने के पानी के चारों साइड टाकियां बनाना, यहाँ का गाड़ियां आती है कोई पार्किंग की बराबर व्यवस्था नहीं है, तो अभी तक तो मैप नहीं डिक्लेयर हुआ है। यात्रा स्थल का जो मैप होता है प्राइमरी मैप, कहाँ क्या रहेगा, क्या क्या होगा, कितने दूर तक गाड़ी आएगी, वो अभी कल तक आ जाएगा बाहर, तो मैप कलेक्टर साहब के माध्यम से बाहर निकलेगा। वो मैप के हिसाब से चार बस वाले चार बस क्या रुकेंगे, ऑटो वाले ऑटो वाले को, क्योंकि जब तक कलेक्टर साहब और एडीएम ये मैप डिक्लेयर नहीं करती यात्रा का क्या क्या रहने वाला है, तब तक उसको सुनिश्चित ढंग से ये नहीं होगा। मैंने अभी अभी कलेक्टर से बात की है, तुरंत कल मैप बनाएंगे और मैप बना के वहां का पार्किंग, नो पार्किंग जोन, पार्किंग जोन, कितने दूर गाड़ी आएंगी, अगर गाड़ी गलती से आ गई तो उसका परमिट कैंसिल करना, ये सब कुछ कड़क कार्रवाई उसमें होगी। कुछ साल पहले तक चुनाव के समय पार्टी कार्यालयों में उम्मीदवारों की भीड़ नजर आती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से स्थिति बदल गई है। अब उम्मीदवारों के लिए पार्टी को विज्ञापन देने की जरूरत आ पड़ी है। ग्राम पंचायत हो या फिर नगर पालिका, विधानसभा हो या फिर लोकसभा के चुनाव, जाहिर करने के बाद उम्मीदवारों की कतार लग जाया करती थी। पुरानी जान पहचान का फायदा लेते हुए वोटिंग की जाती थी, लेकिन अब 60 साल जिन्होंने सत्ता का लुत्फ उठाया, उन्हें उम्मीदवारी के लिए विज्ञापन देने की नौबत आ पड़ी है। विज्ञापन देने के लिए पार्टी को आदेश देने पड़े, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। आम्हाला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसकडनं नगर परिषदेच्या संदर्भामध्ये सूचना आल्या आणि त्याप्रमाणे 2016 होऊ घातलेल्या नगर परिषदेच्या निवडणुकांच्या संदर्भामध्ये उमेदवारी अर्ज आम्हाला मागवायचे होते आणि आमच्या पक्षाची उमेदवारी त्यांना बहाल करायची होती। मी आणि त्या जाहिरातीच्या माध्यमातून मी माझी काँग्रेस वर्धा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने मी त्यांना उमेदवारी देणं सुरू केलं आणि त्यांनी माझ्याकडे अप्लिकेशन केल्या आणि मी त्यांना उमेदवारीचा अर्ज दिला। ऐसे में फिर एक बात सामने आई है की राजनीतिक पार्टी में 60 साल तक सत्ता में रहने वालों को क्यों उमेदवार नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन पार्टियों के साथ ऐसा होना बहुत शर्म की बात है। ज्या काँग्रेसनं राष्ट्रवादी काँग्रेसनं राज्यामध्ये सत्ता गाजवली, अशा राष्ट्रवादी काँग्रेसनं काँग्रेसवर ही वेळ यावी जाहिराती देऊन त्यांना उमेदवारांची विनंती करावा लागून राहिली, ही अत्यंत अत्यंत केवलवाणी बाब आहे। आणि असं व्हायला नको की एवढी मरगळ अशा एका मोठ्या राजकीय पक्षावर आली, हे त्या राजकारणाचं मोठं दुर्दैव आहे। राष्ट्रीय योद्धा क्रांतिवीर शहीद बाबूराव पुलकेश्वर शेड़मा के इनके 158वें शहीद दिवस के अवसर पर आदिवासी समुदाय की ओर से चंद्रपुर शहर में भव्य रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग बड़े पैमाने में शामिल थे। राष्ट्रीय योद्धा क्रांतिवीर शहीद बाबूराव शेड़मा के इनके 158वें शहीद दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में आदिवासी समुदाय की ओर से रैली निकाली गई। इस रैली में आदिवासी वस्त्र धारण कर आदिवासी संस्कृति की याद छात्राओं ने दी। यहाँ ब्रिटिश की कूटनीति चली, उसके बाद में यहाँ जो भटजी बामन थे, मालगुजार थे, उन लोगों ने कूटनीति चलाकर बाबूराव शेड़मा का इतिहास दबाया गया। हम लोग खोज खोज के बाबूराव शेड़मा का इतिहास सामने अभी धीरे धीरे ला रहे हैं, हमको जैसा मिलता हम वैसे पेश कर रहे हैं। बाबूराव शेड़मा के ने पूरे देश के लिए काम किया और बाबूराव शेड़मा के ने
अक्के देश के लिए, यहाँ का पूरे जाति धर्म के लिए काम, पूरे जाति धर्म के लिए, और यहाँ के जो प्रजा थी उनके बाबरा शर्मे के साथ में सभी जनता, यहाँ कोई ऐसा नहीं कि कोई ये है नहीं, कोई वो नहीं, और सभी समाज के लिए, पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया। रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल थे और रैली में शामिल छात्र समाज सेवा ही देश की सेवा, ऐसे कई नारों का उल्लेख कर रहे थे। क्रांतिवीर बाबूराव कुलेश्वर शर्मा के समिति का अध्यक्ष दयालाल विठ्ठल कनाके माझं नाव आहे। मी सन 2001 पासून बाबूराव शर्माकेचा इतिहास उदयास आणून जे आहे ना, मी हा कार्यक्रम बाबूराव कोण आहे याची जाणीव जनतेला यावं म्हणून मी अहोरात्र प्रयत्न केले आणि आज तर दैवनशिबाने 20 वर्षाच्या नंतर बाबूराव शर्माकेचे चौथ्या पिढीचे वारसा नाकदार श्री रामचंद्रराव शर्माके हे आजच्या स्टेजवरचे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष असतील हे यांना मी हुडकून काढण्यात यशस्वी झालो आणि आतापर्यंत बाबूराव शर्माके कोण होता हे इतर समाजाला, आमच्याही समाजाला त्याच्याबद्दल कोणालाही जाणीव नव्हती। ती जाणीव मी माझ्या प्रवासात बाबूराव शर्माके कुठला काय कसा ब्रिटिशाशी लढाई केली याच्याबद्दल भरपूर माहिती घेतली आणि आजही माझ्याकडे 2 तास मी स्पीक करू शकतो एवढी मोठी बाबूराव शर्माकेची माहिती माझ्याकडे आहे। आज बाबूराव शर्माके का इतिहास पूरे पूरे जग में और पूरे देश में उसका इतिहास है, और उसका इतिहास जो है, जो बाबूराव शर्माके जो जयंती मना रहे, तो बाबूराव शर्माके ने जो अपने देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे धर्म के लिए, ये कोई आदिवासी जाति के लिए काम नहीं किया है, ये जो देश की स्वतंत्रता दिलाई आदिवासी का इसमें योगदान है, अपना बाबूराव शर्माके का योगदान जो दिया है अपने समाज ने, और ये जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई बाबूराव शर्माके ने, ये आदिवासी के लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए और पूरे धर्म के लिए और पूरे देश के लिए लड़ी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी लड़ाई। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मालूम है कि बाबूराव शर्माके कौन नहीं पहचान सकता, बाबूराव शर्माके पूरे देश के लोग पहचानते। रैली पूरे चंद्रपुर शहर में निकाली गई थी। इस रैली में शामिल लोगों के लिए जगह जगह पर भोजन दान भी रखा गया था। रैली में शामिल लोगों का कहना था कि आदिवासी इतिहास को देश में दबाने की कोशिश की जा रही है, इसी इतिहास और शूरवीरों की याद स्वरूप बाबूराव शर्माके इनकी 158वें शहीद दिवस को हम मना रहे हैं। शहीद वीर बाबूराव कुलेश्वर शर्माके की 158 शहीद दिन की सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। फर्स्ट अपन बताया जाए तो इनका जो कार्य है ये पूरे भारत में एक महत्वाकांक्षी, एक अत्यावश्यक कार्य है कि जो लड़ाई हमारे पूर्वजों ने बाबूराव कुलेश्वर शर्माके ने जो लड़ी थी वो इंग्रेज के खिलाफ की लड़ाई, तो इंग्रेज के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी तो इसका मतभेद हम नहीं कर सकते कि एक्चुअली वो प्रॉपर तरीके से आदिवासी की लड़ाई होंगी। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशकालीन जो लड़ाई थी प्रॉपर तरीके से वो सभी के फायदेमंद, सभी लोगों के लिए लड़ाई थी, अपने देश के स्वातंत्र्य के हित की लड़ाई थी, ये ऐसा हम कह सकते हैं। कि आज मशाल पेटने की आवाज़ हमें उठाना पड़ रहा, आज हमारी क्रांति में ज्योता ही है, ये क्रांति जलाती रहेंगी और हक के लड़ाई लड़ेंगे। वे क्रांति आज से चालू नहीं, पिछले 20 साल से चालू है, तो आज क्रांति चालू है। तो बाबूराव शर्माके ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में जो कार्य किया वो आज हमें मिल रहा कुछ।